सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि फाइनली अभी हिंदी में रिलीज हो चुकी है। ये मूवी काफी महीनों पहले तमिल और तेलुगु में आई थी, लेकिन उस टाइम पे ये मूवी मैंने इस वजह से नहीं देखा था क्योंकि मुझे ये मूवी हिंदी में देखना था और ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी। और ये मूवी की बात करो तो ये मूवी भी एक रीमेड है जो कि 2016 में कन्नड़ फिल्म आई थी, बिल्कुल उसी सब्जेक्ट बिल्कुल उसी को देखकर हूबहू ये फिल्म बनाई गई तमिल और तेलुगु में। लेकिन दोनों ही फिल्में काफी लोगों को पसंद आई थी और इसका जो सब्जेक्ट है जो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी हिंदी ऑडियंस है जो हिंदी फिल्में देखते जाएंगे, जो साउथ फिल्मों को हिंदी डब में देखते हैं, वो ये फिल्म भी जरूर देखें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसकी जो कहानी है, क्या आप लोग ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, वो सब कुछ जानने के लिए अभी एक बार ये वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद जाके ये मूवी को जरूर देखना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी सब्सक्राइब कर दो, जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। तो ज्यादा समय न लेते लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इस मूवी का नाम है यू टर्न और इसमें हमें समांथा अकिनेनी नजर आती है जो कि हर साउथ की दूसरी फिल्म में नजर आती है और वो काफी फेवरेट है लोगों की और मेरी भी पर्सनल फेवरेट है समांथा अकिनेनी। और पूरी की पूरी फिल्म में वही छाई रहती है। उसके अलावा हमें स्पेशल रोल में भूमिका चावला नजर आएगी और साथ ही इसमें उसके अलावा हमें इसमें नजर आते हैं आदि पेनीशेट्टी, राहुल रविंद्र और इसे डायरेक्ट किया पवन कुमार ने। कहानी यह है कि समांथा अकिनेनी टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करती है और वो एक फ्लाईओवर पर आर्टिकल लिख रही है, यानी कि फ्लाईओवर पर कुछ लोग यू टर्न लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो डिवाइडर होता है जो पत्थर होते हैं वो पत्थर हटाते नहीं और उसी तरीके से बेपरवाह होकर चले जाते हैं। तो उसके बाद वो सोचती है जब वो लोग इस तरीके से जाते तो उससे क्या होता है कि अगर किसी रोड पर पत्थर रहेगा तो जाहिर से बात आप लोगों को पता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट में लोग इंजर्ड होते हैं, मर भी जाते हैं। तो वो सोचती कि वो लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी, उन लोगों की क्या सोच होगी कि वो ऐसा पत्थर रोड पे रख के बेखौफ चले जाते। तो कुछ तकरीबन 10 से 12 लोग के वो कांटेक्ट गाड़ी के नंबर एक डायरी में लिखती है। तो आप लोग बोले कि डायरी में इन लोग के नंबर आए कैसे, तो यार उसी फ्लाईओवर पे एक बैगर या भिखारी जो भी आप कह सकते हो वो रहता है जो समांथा अकिनेनी को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ये आदमी ने इस गाड़ी नंबर वाले ने यहाँ से यू टर्न लिया, उसके बाद वो बिग्स को उठा के रखा नहीं। तो प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जितने भी उसके डायरी में जितने भी कॉन्टेक्ट लिखे रहते कुछ 10 से 12, वो सारे के सारे लोगों ने सुसाइड कर ली होती है, यानी कि अपने आप सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि उनको मारता नहीं है सुसाइड कर लेते। तो अभी सुसाइड के पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो कहानी काफी दिलचस्प लग रही है ना, उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये पूरी स्टोरी है। लेकिन जब ये फिल्म आप देखोगे तो धीरे धीरे कहानी आप प्रिडिक्ट कर लोगे, इतना तो मैं कंफर्म बोलता हूँ क्योंकि जितनी फिल्में मैं देखता हूँ मुझे मैं पूरी फिल्म में घुस कर देखता हूँ और मैं ये कहानी काफी प्रिडिक्ट कर लिया। और जो एंड में ट्विस्ट है वो भी धीरे धीरे जो फिल्म देखता है उसको समझ आएंगे ट्विस्ट का। लेकिन ये फिल्म में जितना अच्छा संदेश जो एक अच्छा इमोशनल मैसेज देने की कोशिश की गई है वो मैसेज मुझे दिल को छू गया और उसी वजह से मैं फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। हालांकि फिल्म का परफॉर्मेंस में नो डाउट सबके परफॉर्मेंस अच्छे, चाहे वो समांथा अकिनेनी हो, चाहे वो इंस्पेक्टर का रोल निभाने वाला एक्टर हो, चाहे वो भूमिका चावला का स्पेशल रोल हो, परफॉर्मेंस सबका अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है। क्योंकि जितने भी इंटेंस और जितने भी ऐसे सीन्स है जिसमें आपको डर लगे या मतलब एक जो सिचुएशन क्रिएट करने वाला सीन होता है ना, उसमें बारिश का होना और बिजली कड़कना और रात में जो सीन्स होते हैं पिक्चराइजेशन करते तो उसमें एक अलग सा माहौल बन जाता है। तो वो सब सीन्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको दिल को छुएगी। जो एक मैसेज देना चाहती है फिल्म, वो मैसेज बहुत अच्छा है। तो उस वजह से ये फिल्म को जरूर देखना। अदरवाइज अगर आप साउथ की फिल्में देखते हो, समांथा के फैन हो, तो ये मूवी वन टाइम तो जरूर देखें। ये मूवी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। इसके ज्यादा अगर मैं बताऊंगा आपको कहानी तो पूरी की पूरी फिल्म का मजा खराब हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि वन टाइम आप इस मूवी को जरूर देखें। और अगर फिर भी ये वीडियो के अलावा भी अगर आप सोचते हैं कि नहीं देखे तो वो आपकी मर्जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि गाली भी दे दो तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, अगर तारीफ भी करता तो उसका रिप्लाई करता हूँ। तो कमेंट जरूर करना। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के। टिल देन।